स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी हेलो मैम, नमस्ते। क्या नमस्कार सर। हाल चाल मैम हम आपके? ठीक हैं, आप कैसे हैं सर? ठीक है, हमारे में कंधे में दर्द होता है मैम, इसके बारे में बात करनी थी। गले में दर्द? गले में दर्द है ना? दर्द अच्छा, गले के बाहर दर्द है, अंदर दर्द है? जी, गले जी जी एम एम साथ होती ना, कंधे से जो जान चलता है उसमें दर्द होने लगा है मेरे को। ठीक। खाने खाने का सोडा पानी में मिलाएं दो चुटकी, और इस पानी को गरम गरम चाय की तरह चुस्कियां लेकर पिया करें। आपके गले का दर्द में फायदा होना मुमकिन है। जी, हिमाचल से अगली कॉलर है रेनू, स्वागत है आपका। नमस्ते, रेनू जी, हेलो स्वागत आपका, बहुत बहुत जय हिंद। सर। मेरे दो सवाल है। एक, मुझे ना मेनोपॉज के बाद बड़ी प्रॉब्लम होती है। पोज मेरे कितनी उम्र है मेरी? 47 साल उम्र है मेरी, और मेनोपॉज मेरा हो गया है। तो उसके बाद क्या होता है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब ये हॉट फ्लैशेज आते हैं बहुत ज्यादा, मुझे ये प्रॉब्लम है। मुझे कभी कभी मुझे बहुत गर्मी लगती है, कभी कभी मुझे सर्दी लगती है। ऐसे होता 2 मिनट के लिए। तो मैंने लेडी डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि ये मेनोपॉज की वजह से हो रहा है आपको, हॉट फ्लैशेज आते हैं। उन्होंने दवाई भी दी थी मेरे को, 15 दिन दवाई खाई है। कह रहे ज्यादा दवाई नहीं खानी है। इससे मुझे, उस दवाई खाने से मुझे वेरिकोज की प्रॉब्लम हो गई। रेनू वेरिकोज जी, के रेनू जी, आपको रोकना चाहूंगी। आपकी पहले भी हकीम साहब से बात हुई है ना? नहीं, मेरी आज ही हुई है। हाँ आज ही हुई है? जी, चलिए ठीक है, आगे बोलिए। वेरिकोज की प्रॉब्लम हुई? उसके बाद मुझे 2 महीने से वेरिकोज की प्रॉब्लम हो गई है। तो जो हॉट फ्लैशेज मेरे को आते हैं, उसके लिए कोई देसी दवाई नहीं है सर? क्योंकि तो मैं अंग्रेजी नहीं खाना चाहती, मुझे और उसके बड़े वो साइड इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है। ये प्रॉब्लम है मुझे, ठीक ठीक है। है। और मेरे सर, मेरा बेटा है, उसको बीपी हाई रहता है सर। उसका बीपी हाई रहता है, नीचे का 90 है और उम्र उसकी है 20 साल। नीचे का 90 है, ऊपर का उसका रहता है 40 45, 140 45 के आस पास। और उसके यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक। यूरिन में इन्फेक्शन भी हो जाता है सर। जैसे 2 महीने के बाद ऐसे हो जाता है इन्फेक्शन। तो मेरे ख्याल उसकी बात हुई आपसे, तो आपने नमक जतन दिया था, और वो क्या बोलते हैं इसको, अलसी भून के, अलसी भून के लेनी है। और ये भी दी थी, क्या बोलते हैं इसको, धनिया धनिया का पाउडर 100 100 ग्राम दोनों मिला के। तो वो सर वो खा रहा है, तो इन्फेक्शन जा नहीं रहा उसका। खाते खाते उसे 1.5 महीना हो गया है उसका। तो उसने पहले टेस्ट कराया था तो भी पस सेल आ रहे थे, अभी भी पस सेल आ रहे हैं। तो उसके लिए भी बताओ सर, और मेरे बेटे के लिए भी, और मुझे भी बताओ। क्योंकि मुझे जो मेनोपॉज के बाद प्रॉब्लम हो गई है, इससे बड़ी परेशान हूँ मैं। ठीक है, ओके। हाँ, देखिए, जो नुस्खा बच्चा खा रहा है वही नुस्खा लेना है, और दो दो चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर लेना है। अगर दो दो चुटकी ले रहे हैं और दो बार ले रहे हैं तो 3 बार लेने लगे। नमक जैतून पानी में मिलाकर अलसी के साथ 3 बार लेने लगे, और थोड़ा धैर्य रखें, आने वाले महीनों में उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। और आपको जो ये सब होता है इसके लिए आप एक चुटकी या दो चुटकी हल्दी 1 गिलास पानी में मिलाएं, और नमक जैतून इसमें दो चुटकी मिलाएं, और खाने का सोडा दो चुटकी मिलाएं। ये एक खुराक रोज़ाना आप ले लिया करें तो आपको भी फ़ायदा होना मुमकिन है।